फटाक खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि 4.5 लाख भर्तियां कर दिया है, जो कि एकदम पूरी तरह से फर्जी भर्तियां हैं। 1,37,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था, सिर्फ उन्होंने उसी आधार पर भर्ती की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। 30,477 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, उसकी भी उन्होंने भर्ती अभी तक नहीं निकाली, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की CBI जांच करा रहे हैं, और आज तक सिर्फ 2 FIR ये 5 सालों में करा चुके, और CBI 600 जांच कर रही है लोक सेवा आयोग की। सरकार खुद 51,112 पद के लिए स्वयं इसने एफिडेविट दिया है, और जो कि इनका सिर्फ एफिडेविट तक ही रह गया है। अब हम लोग शिक्षा मंत्री के घर दौरा लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे साथी 33 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। चला रहे हैं, हमने BTC DLED किया है, जिसको योगी सरकार ने BTC का नाम बदलकर DLED कर दिया, और आज तक एक भी भर्ती नहीं दी। हम 2017 से 2019 तक मेरठ से BTC पूर्ण किए, उसके बाद हम इलाहाबाद आए, हमने CTET क्वालिफाई किया, TET क्वालिफाई किया, इस आशा के साथ की सरकार भर्ती देगी, लेकिन इन्होंने DLED के 3 बैच पूर्ण कर दिए। 3 बैच में करीब 7 लाख प्रतियोगी छात्र पास हुए, और इन्होंने भर्ती के नाम पे अभी तक कुछ नहीं दिया। कहते हैं छात्र देश का भविष्य तैयार करता है, लेकिन उन छात्रों का भविष्य परीक्षाएं निरस्त होने से खुद अंधकार में पड़ गया है, और कई छात्र निराश होकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। हम इस वक्त सलोरी इलाके में हैं, और प्रतियोगी छात्र हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि जो किस तरह की आप लोगों जो परीक्षाएं निरस्त होती हैं, दिक्कतें आ रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। कब से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं? लगभग 10 साल हो गए हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और ये और शिक्षक भर्ती की स्पेशली तैयारी जो हमारी चल रही है, इसमें शिक्षक भर्ती की चल रही है, और हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, और सरकार खुद 51,112 पद के लिए स्वयं इसने एफिडेविट दिया है, और जो कि इनका सिर्फ एफिडेविट तक ही रह गया है। अब हम लोग शिक्षा मंत्री के घर दौरा लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे साथी 33 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लास्ट भर्ती कब निकाली? ये 2019 में निकाले थे, लेकिन ये अपनी भर्ती बता रहा हूँ, हम लोग भर्ती नहीं मार रहे हैं, क्योंकि वो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन किए हैं, ये भर्ती नहीं निकाले हैं, ये शिक्षा मित्रों का समायोजन है। बाकी हम लोग चाह रहे हैं कि अब 97,000 का नया विज्ञापन जारी हो। अच्छा, सरकार ने जो विभाग ने भर्तियां निकाली थी वो क्या पूरी हुई है? नहीं, उसमें भी अभी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ढेर सारे छात्र उसमें भी परेशान हैं, क्योंकि उसमें कई तरीके के घोटाले भी सामने आ रहे हैं। सरकार एक बार बोलते कुछ नहीं हुआ है, बाद में पता चलता है, सरकार ही मानती है कि नहीं ये गड़बड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी सदवंशी है, मैं सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। कब से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ पे तो 2 साल से रह रहे हैं, हमने BTC DLED किया है, जिसको योगी सरकार ने BTC का नाम बदलकर DLED कर दिया, और आज तक एक भी भर्ती नहीं दी। हम 2017 से 2019 तक मेरठ से BTC पूर्ण किए, उसके बाद हम इलाहाबाद आए, हमने CTET क्वालिफाई किया, TET क्वालिफाई किया, इस आशा के साथ की सरकार भर्ती देगी, लेकिन इन्होंने DLED के 3 बैच पूर्ण कर दिए। 3 बैच में करीब 7 लाख प्रतियोगी छात्र पास हुए, और इन्होंने भर्ती के नाम पे अभी तक कुछ नहीं दिया। भर्ती के नाम पर कुछ नहीं किया, इन छात्रों का कहना है जी, कब से तैयारी किस उसकी तैयारी करें, और नाम क्या है? सर, मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, मैं बलिया जिले से हूँ। किस परीक्षा की तैयारी करें? तो स्पेशली मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ सर, 3 साल से। अच्छा, क्या उम्मीद है इस बार आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की है, और घर में जो क्या स्थिति है, क्या उम्मीद थी घर वालों? सर देखिए, घर से तो यही उम्मीद बांध कर आए थे कि जल्द भर्ती हो जाएगी, 69,000 भर्ती होने के बाद, लेकिन अब तो 3 साल बीत गए हैं, और उसके बाद अब लग रहा है कि अब आज 3:30 बजे लग ही जाएगा आचार संहिता, तो अब तो उम्मीद बहुत धुमिली दिखाई रही है। अच्छा, किस तरह से छात्र इस बार नौकरी पाने की बात जो कर रहे थे, और परीक्षाएं निरस्त होती हैं, तो कितनी निराशा होती है? बहुत हताशा होती है सर, उसका मतलब कल्पना जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है वही समझता है सर, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, उसको ही इसका मालूम है कि इसके बाद क्या होगा। अब हम लोगों को मालूम है कि 2 साल तक भर्ती आने वाली नहीं है, अब क्या होगा भविष्य, अब तो बहुत ही अंधकार दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, घर की स्थिति क्या है, और क्या उम्मीद? घर की स्थिति सर बहुत ही समान सी है, अब ये एक आशा सी थी हमसे कि मतलब ये जॉब पाएगा तो कुछ होगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इस समय। अच्छा, सरकार से भी नाराजगी छात्रों की दिखाई पड़ रही है, तो किस तरह की नाराजगी दिखेगी इस बार? अगर ये छात्र कहती है कि ये रोजगार मांगोगे तो बुलडोजर चला देंगे, अगर ये सरकार हम लोगों को रोजगार नहीं देती तो हम लोगों के पास ये बुलडोजर है, और हम लोग 2022 में ये वाला बुलडोजर चलाकर सरकार को बता देंगे कि हम युवा क्या हैं। ये छात्र विरोधी और युवा विरोधी सरकार अगर भर्ती नहीं देती 97,000 पद की, तो हम लोग इसको दोबारा सत्ता में आने नहीं देंगे।
अच्छा, इस सरकार से आपको उम्मीद थी या पिछली सरकार आपके लिए कुछ करती रही है? देखिए, पिछली सरकारों ने कुछ गलतियां की इसलिए परिवर्तन हुआ, लेकिन ये सरकार पिछली सरकारों से भी रोजगार के नाम पर एकदम सिर्फ खोखला वादे किया इन्होंने, और जो पिछली सरकारों ने गलतियां की उससे ज्यादा गलतियां इन्होंने की है। अगर ये सरकार सोच रही कि हम रोजगार नहीं देंगे, सिर्फ अखबारों में इतना विज्ञापन दे दी है एक सरकार कि हर युवा के पास 10-10 नौकरी होगी, लेकिन सिर्फ अखबारों में, जमीनी हकीकत पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। ना इन्होंने 5 साल में एक भी पद बेसिक शिक्षा विभाग में दिया, लेखपाल का दिया, BDO का दिया, इन्होंने एक भी नया पद नहीं दिया है। अच्छा, अभी टेट की परीक्षा निरस्त हुई है, फिर अभी अगली तारीख आ रही है, टेट का परीक्षा इन्होंने रद्द किया। हम लोग करीब उसमें से 500-600 रुपए हम लोगों का बर्बाद हुआ आने जाने में, और रात में 9 बजे तक हम लोग घर पहुंचे हैं ठंडी में, और फिर ये दोबारा 23 तारीख को बोल रहे हैं कराने को, लेकिन हमें सरकार की नीयत में ही खोट लग रहा है, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा धांधली 69,000 से लेकर सब भर्तियों में हुई, कोई भर्ती नहीं निरस्त हुई। टेट को इसलिए इन्होंने सिर्फ रद्द किया कि अगर हम टेट का परीक्षा करा लेंगे तो युवा 97,000 की मांग और तेज कर देंगे और हमें ये देना पड़ेगा। हम लोगों का तो यही आशा, अगर ये सरकार चुनाव के पहले भर्ती नहीं देती है तो चुनाव के बाद क्यों भर्ती देगी, इसलिए हम इसको बदल देंगे अगर चुनाव के पहले भर्ती नहीं देती है तो। जी बिल्कुल, छात्रों के पास अपना हथियार है जो 2022 में उपयोग जो प्रयोग में करेंगे, और सरकार को बताने की भी कोशिश करेंगे कि इस छात्रों की नाराजगी किस तरह से है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हिमांशु पांडे, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। पिछले 10 साल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश PCS की। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि 4.5 लाख भर्तियाँ कर दिया है, जो कि एकदम पूरी तरह से फर्जी भर्तियाँ हैं। 1,37,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने समयोजन रद्द किया था, सिर्फ उन्होंने उसी आधार पर भर्ती की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। 30,477 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, उसकी भी उन्होंने भर्ती अभी तक नहीं निकाली, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की CBI जांच करा रहे हैं, और आज तक सिर्फ 2 FIR ये 5 सालों में करा चुके हैं, और CBI 600 जांच कर रही है लोक सेवा आयोग की। और इन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार को नियुक्त कर दिया, जिन्होंने पूरे हिंदी बेल्ट को समाप्त कर दिया, स्केलिंग मॉडरेशन के नाम पे ले आकर के सिर्फ इंग्लिश मीडियम को वरीयता इन्होंने दिया, हिंदी मीडियम को पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। और साथ ही साथ अभी नए अध्यक्ष जी आए हैं, उनसे भी लड़के मिलना चाहते हैं, पर वो भी अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया। बिल्कुल, छात्र लगातार नाराज हैं अपनी इस शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव, मैं आजमगढ़ से 17 बैच का DLED प्रशिक्षक हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी भी समय है, सरकार इस बात तय कर ले, और कई लाख पर शिक्षा विभाग में खाली है बेसिक शिक्षा विभाग में, और उसको जल्दी से जारी करे। इतना आयोग, शिक्षा मंत्री और सरकार अभी तक UP में नहीं बनी थी, ये लोग अपने ही बात पे पलट जाते हैं। शिक्षा मित्र का 1,37,000 पद खाली है, वो भी अभी नहीं भर पाए हैं। 51,000 प्लस समथिंग का पद का जो हलफनामा दिए थे वो भी नहीं भर पाए हैं, और प्रत्येक वर्ष 10 से 15 हज़ार शिक्षक जो है रिटायर होते हैं, वो जोड़कर कई लाख पद खाली हैं। और विभागों में इस सरकार की बात की जाए तो रोजगार के नाम पे केवल जुमला है, सिर्फ छात्रों को ठगा। सलूरी इलाके में कई छात्र, सैकड़ों छात्र रात में निकले थे, थालियां बजाई थी, क्या मकसद था? थालियां सरकार से रोजगार मांग की, सरकार की छात्रों का सिर्फ एक ही सरकार है, केवल रोजगार, उसको केवल रोजगार चाहिए। यदि सरकार नहीं देती है तो हम लोग इनको थाली और ताली बजा के इसको विदा करेंगे। अच्छा, इस बार काफी छात्र नाराज हैं, और घर की स्थिति क्या है? घर वालों को बड़ी उम्मीद रही होगी कि आप यहाँ पर शिक्षक बनेंगे, घर का भी जो स्थिति है वो सुधरेगी, तो कितनी नाउम्मीद हुई है? पूरे सबके आशाओं पर पानी फिर गया, बहुत बड़ी उम्मीद थी एक समाज को, परिवार को जो है, और देश को, शिक्षक सभी शिक्षकों को एक बड़ी, बहुत बड़ी उम्मीद थी। इस सरकार ने सभी की आशाओं पर पानी फेर दिया, 5 साल में कोई भी नहीं भर्ती किसी भी विभाग में कोई अच्छे से नहीं हुआ, जो पद खाली किए वो भी नहीं भर पाए, कभी आरक्षण घोटाला करते हैं, कभी भर्ती ही नहीं देते, 5 लाख पद लगभग खाली है पूरे विभागों में, शिक्षक विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, 2,34,000 पद खाली है केवल शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग। लास्ट भर्ती कब निकाली थी? लास्ट भर्ती 18 में आई थी, जो है 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। 6 जनवरी देखिए बीत गया, 3 साल पूरे हो गए, 2022 लग चुका है, कोई भी भर्ती नहीं निकाली, नहीं वो 15 बैच वालों के बाद आई थी जब BTC पूर किए थे, उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। कब से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे 2014 से हूँ, इसके पहले मैं 2014 में जब आया था सर्वप्रथम मैं SSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन घर वालों के द्वारा दबाव बना कि आप BTC कर लीजिए, BTC करने के बाद आप प्राइमरी में अध्यापक से और हो जाएंगे। और पहले क्या होता था, जो बच्चा BTC कर लेता था उसको प्राथमिक में नौकरी जरूर मिल जाती थी, लेकिन विभाग ने जो नौकरियाँ निकाली थी कोई पूरी हुई है? वो जो विभाग में नौकरियाँ, अभी जब से हमारा BTC कम्प्लीट हुआ तब से कोई भर्ती ही नहीं आई है।
और मैं 3 बार सीटेट पास हूँ और 1 बार टेट पास हूँ और दोबारा टेट का एग्जाम देने वाला हूँ, और अगर एग्जाम होता तो मैं दोबारा एग्जाम टेट का दूंगा। अच्छा, महीने का खर्च और घर का खर्च कैसे? महीने का खर्च महीने में मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपया लग जाता है। घर से मंगवाना पड़ता है? घर से मंगवाना पड़ता है, और घर की स्थिति आप जान ही रहे हैं, बेरोजगार हैं, और घर वाले माता पिता भी खेती किसानी करके कैसे कैसे देते हैं, और खेती किसानी से भी बहुत परेशान है। ये बिल्कुल छात्र सलोरी इलाके में है और अपनी जो नौकरी है उसको लेकर के, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको लेकर के काफ़ी परेशान है, और यहाँ पर थालियाँ बजा कर अपनी नाराजगी दिखाई थी। कुछ और छात्र यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, ऐसा यहाँ पर बैनर लिए खड़े हैं, क्या मकसद है? हम लोग करीब 2020 से हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा कि 69,000 का मामला हो जाने दीजिए, हम लोग आपको भर्ती देंगे। फिर हम लोग दोबारा मिलते तो शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि नौकरी देना बच्चों का खेल नहीं, अगर हम नौकरी देंगे तो हमको वेतन देना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री जी वेतन कहाँ से लेते हैं? हम ही लोगों से लेते हैं। एक कोई भी फार्म भराएंगे 1200-1500 रुपये हम लोगों से ले करके वो बोलते हैं कि हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। 21 लाख TT के छात्रों से 1200-1200 रुपये शिक्षा मंत्री जी लिए हैं, उसी से तो अपना वेतन चला रहे हैं। छात्रों की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो किस तरह से अपनी ताकत दिखाएंगे इस बार? हम लोगों ने 2017 में भी बदलाव किया था, क्योंकि वो सरकार हम लोगों के जो हम लोगों की आशाएं उस पर पूरी नहीं हुई, लेकिन ये सरकार पिछली सरकार से भी ज़्यादा निकम्मी है, और इस सरकार को हम लोगों के पास एक ऐसा बुलडोजर है, वोट का बुलडोजर है, जो हम लोग ऐसा चलाएंगे कि सरकार सोच भी नहीं पाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम श्री प्रकाश पाल है, जौनपुर से रहने वाला हूँ, UP SSC की तैयारी कर रहा हूँ। हमारी सरकार से यही कहना है कि UP SSC BDO का एग्जाम जल्द कराएं, और नेपाल के जल्द से जल्द पोस्ट भरे जाएं आचार संहिता लगने से पहले या फिर। अच्छा, घर की स्थिति कैसी है? घर से आप पैसा मंगाते हैं तो कैसे खर्च चलता है? सर खेती किसानी है, पिताजी मतलब देते हैं पैसा, और घर की यही सब परिस्थिति है। अच्छा, क्या उम्मीद थी कि आप यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे? जी सर। अच्छी नौकरी होगी, घर परिवार अच्छे से चलेगा, तो किस तरह से नाउम्मीद हाथ लगी? सर यही धांधली हो रही है, एग्जाम कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, आचार संहिता लगने से पहले वैकेंसियाँ निकाल दें या वो के फंस जाएगा, क्लियर नहीं होगा, यही सब प्रॉब्लम है सर, उसको जल्द से जल्द एग्जाम कराएं। घर वालों को भी काफ़ी नाउम्मीद हुई होगी? जी जी, उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द नौकरी ले लें, यहाँ गुमराह हो रही है बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है। अच्छा, ये छात्र काफ़ी नाराज़ हैं, और छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं की जो यहाँ पर निरस्त हो रही हैं उनसे उनका भविष्य खतरे में यहाँ पर पड़ रहा है, और उनके घर वालों को काफ़ी नाउम्मीद हो रही है। जी क्या कहेंगे? अगर सरकार जो है विज्ञापन नहीं निकालती तो हम लोग एक ऐसा अभियान चलाएंगे, सरकार हराओ अभियान। सीधी सी बात, हम लोगों की संख्या 21 लाख है, हम बेरोजगार प्रशिक्षु 21 लाख की संख्या में हम लोग एक ऐसा अभियान चलाएंगे। आज के बाद अगर आचार संहिता लग जाती है तो हम लोगों का एक ही मुद्दा होगा, BJP हराओ।